हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आपको मैं आज दिखाऊंगा वैगनार, जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, जो 90,000 किलोमीटर चल चुकी थी और उसके हेड में दिक्कत थी। ये वही गाड़ी है जो 89 चली थी उस टाइम, तो मैंने अब इसका हेड करा दिया है। और एक बार मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ इसको, ये देखिए। और ये अब RPM वगैरह कोई ड्रॉप नहीं करती है, फ़िलहाल अभी पेट्रोल पर है। ये देखिए अभी CNG पे आ गई है और RPM वहीं खड़ी है, मतलब बिल्कुल कोई RPM ड्रॉप का वो नहीं है इसमें। ये देखिए, और एक बार मैं आपको इसका इंजन दिखा दूं बाहर से। तो इंजन की आवाज़ सुन सकते हैं आप, बिल्कुल साइलेंट, कोई हल नहीं रहा ज़्यादा, देख सकते हैं आप। और एक बार मैं आपको AC और दिखा दूं चला के, AC पे इसके RPM ड्रॉप होते हैं या नहीं। ये देखिए AC ऑन है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, और ये बिल्कुल सही एकदम RPM वहीं खड़ा है, 1 पे ही RPM की सुई आपने देख ली। और एक बार मैं इसको आपको चला के और दिखा देता हूँ कि कैसा परफॉर्म कर रही है। AC ऑन है अभी और गाड़ी चलने में अब काफ़ी स्मूथ हो गई है, मतलब जैसे नहीं थी उस टाइप की हो गई है अभी, कोई दबने का कोई इशू नहीं है, जैसे गाड़ी लोड मानती हो AC पे। चौथा गियर लग चुका है अब इसका, और ये देखिए 60 की स्पीड पर आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस मैकेनिक पे मैंने कराई थी, मैं आपको एक बार वो वीडियो दिखा देता हूँ, और जो उनका एड्रेस है विलेज खेली अफीजपुर नियर धनकौर रेलवे स्टेशन ग्रेटर नोएडा में मैंने कराई थी, और उन्होंने 6,000 से 7,000 रुपये इसमें खर्चा आया था। बाद में मैंने इसकी सर्विस कराई, तो आपने वीडियो देखी, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में हमें बताना। तो मैंने इसमें काम कराया, एक बार मैकेनिक से मिलते हैं, पूछते हैं। हाँ जी, क्या क्या काम कराया आपने इसमें? इसमें हेड के वाल चेंज हुए हैं। अच्छा, बैग चेंज हुई है। अच्छा, और वाल सील चेंज हुई है, कैपिंग टाइट होने की वजह से। अच्छा, तो ये थोड़ी गाड़ी मशीन कर रही थी। हाँ, एवरेज भी नहीं दे पा रही थी और चलने में भी दब के चल रही थी। अच्छा, अब कितनी चल जाएगी होने के बाद? चल जाएगी 60-70 हज़ार का। 60-70, तो हर बार ये कराना पड़ेगा इसका? हाँ हाँ, जब भी ये कैपिंग दिक्कत करेंगे तभी ये इसका काम कराना पड़ेगा। दिक्कत क्या क्या आती है इसमें? जैसे दिक्कत थोड़ी मशीन की दिक्कत आती है, और तुम्हारा झटके लेके चलती है गाड़ी। हाँ, सिलो सही से नहीं रुक पाती है। अच्छा। हाँ, ये परेशानी, मतलब गाड़ी बंद होती है और झटके लेके चलती है। हाँ, तो एवरेज में फ़र्क पड़ता है कुछ इसके? हाँ, एवरेज में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, कितना खर्चा आ जाता है इसमें? लगभग 5-6 हज़ार की समथिंग हो जाता है। मतलब 5-6 हज़ार में ठीक हो जाती है। तो इसका इंजन खुलता है पूरा, हेड वगैरह खुलता है? हाँ, साफ इंजन में हो जाती है। अगर किसी भाई की गाड़ी में दिक्कत आ रही हो तो आप इसका हेड करा सकते हैं। आपको पता क्या है जी, पता यहाँ का एड्रेस। जिंदगी जी तरक्की तो सारे करते, पर मैं कुछ बकरे हिसाब नाल कीते। नाम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री आज की डेट से क्या जावे नंबर वन पे है। Check.